नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आदित्य मुरगई है। मैं फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुड़गांव में सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट और पार्किंसन डिजीज एंड मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। फोर्टिस मेमोरियल हॉस्पिटल गुड़गांव में पार्किंसन डिजीज एंड मूवमेंट डिसऑर्डर्स का एक प्रोग्राम शुरू किया गया है। हम जब मूवमेंट डिसऑर्डर्स की बात करते हैं तो इसमें वो बीमारियाँ आती हैं जिसमें या तो शरीर की मूवमेंट्स बढ़ जाती हैं या शरीर में मूवमेंट्स कम हो जाती हैं। ऐसी बीमारियां जिसमें शरीर की मूवमेंट्स बढ़ जाती हैं, जैसे डिस्टोनिया जिसमें आँखों का अपने आप से बंद हो जाना, गर्दन का मुड़ जाना, हाथ में ऐंठन होना, लिखने में दिक्कत आना, कंपन हाथ पाँव में, हाथ पाँव का कंपन होना, या बैलेंस की दिक्कत, चलने में दिक्कत आना, गिरना, तो इन्हें हम हाइपरकिनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर्स बोलते हैं। इसके दूसरे एंड पे हाइपोकिनेटिक मूवमेंट डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें शरीर की मूवमेंट्स कम हो जाती हैं, जिसके एक कॉमन उदाहरण है पार्किंसन डिजीज, जो कि कॉमन न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो कि अधिकतर 50 साल से ऊपर के लोगों में पाई जाती है, जिसमें हाथ पांव में अकड़न, हाथ पांव का धीरे हो जाना, चलने की गति का कम हो जाना, झुक के चलना, बैलेंस की दिक्कत आना, ये सारे शामिल होते हैं। इसके अलावा ऐसी कई बीमारियाँ होती हैं जो पार्किंसन डिजीज जैसी दिखती हैं लेकिन उनका इलाज पार्किंसन डिजीज से थोड़ा हटके होता है, इन्हें हम एटिपिकल पार्किंसन डिजीज बोलते हैं। तो ये सारी बीमारियाँ हम पार्किंसन डिजीज एंड मूवमेंट डिसऑर्डर्स क्लिनिक में देखते हैं। इसके अलावा बॉटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे प्रोग्राम का, जिसमें हम इस इन इंजेक्शंस के ज़रिए काफ़ी मूवमेंट डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट करते हैं जिसमें डिस्टोनिया और ट्रेमर शामिल हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आँखें अपने आप से बंद होने लगती हैं, या फिर गर्दन एक तरफ मुड़ जाती है, नीचे झुक जाती है, या फिर लिखते लिखते हाथों में ऐंठन आने लगती है, लिखाई खराब हो जाती है ऐंठन के कारण। इसके अलावा लकवे के बाद चलने में दिक्कत, अकड़न होना, तो इन सारी बीमारियों के इलाज में बॉटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शंस काफ़ी यूज़फुल रहते हैं। किसी भी अच्छे मूवमेंट डिसऑर्डर्स प्रोग्राम में सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर पार्किंसन डिजीज और डिस्टोनिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इस सर्जरी को हम डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी बोलते हैं, जिसे कॉमन भाषा में, कॉमन लैंग्वेज में ब्रेन पेसमेकर भी बोला जाता है। ये सर्जरी पार्किंसन डिजीज के पेशेंट्स में और कुछ सिलेक्टेड डिस्टोनिया के पेशेंट्स में की जाती है। फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट गुड़गांव में काफ़ी सालों से इस सर्जरी से पार्किंसन डिजीज और डिस्टोनिया के पेशेंट्स का इलाज किया जा रहा है। फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट पार्किंसन डिजीज एंड मूवमेंट डिसऑर्डर्स प्रोग्राम में कॉम्प्रिहेंसिव और मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ पार्किंसन डिजीज और मूवमेंट डिसऑर्डर्स की बीमारियों का इलाज किया जाता है। यहाँ पे एडवांस थेरेपी लाइक डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी फॉर पार्किंसन डिजीज, डिस्टोनिया और बॉटुलिनम टॉक्सिन इंजेक्शंस फॉर कॉम्प्लेक्स मूवमेंट डिसऑर्डर्स की सुविधाएँ उपलब्ध हैं।